Hello everyone, my name is Daisy and in this video I'm going to explain exercise 8.2 chapter comparing quantities class 8. So start karte hain question 5. A VCR and TV were bought for rupees 8000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. क्या क्या आपको given है? देखिए VCR का CP given है 8000. लिखा है 8000 each. Means दो item है, दोनों का अलग अलग cost price क्या है? 8000. VCR भी उसने 8000 का खरीदा and TV भी उसने 8000 का खरीदा. Okay? Then वो बोल रहा है कि 4% का लॉस होता है अगर वो VCR को सेल करता है तो उसको कितना परसेंट लॉस हुआ 4% और टीवी के ऊपर उसको 8% का प्रॉफिट होता है. तो अब आपसे पूछा गया है कि इस टोटल ट्रांजैक्शन में उसको प्रॉफिट हुआ या उसको लॉस हुआ. प्रॉफिट है तो कितना परसेंट, लॉस है तो कितना परसेंट हुआ, आपको ये फाइंड करना है. तो देखिए कैसे करेंगे इसको. हमें सीपी गिवन है, VCR का CP भी गिवन है और TV का CP भी गिवन है, दोनों के प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी गिवन है. तो VCR का कॉस्ट प्राइस होगा ये, लॉस है 4%, तो यहां से लॉस निकालेंगे कितना लॉस हुआ एंड देन हम SP फाइंड कर लेंगे. सेम हम TV के लिए करेंगे कि TV का प्रॉफिट हमें गिवन है 8%, वहां से प्रॉफिट निकालेंगे और फिर सेलिंग प्राइस निकालेंगे. उसके बाद टोटल CP मीन्स 8000 और 8000 प्लस हो जाएगा, देन दोनों के एसपी को टोटल एसपी हमें मिल जाएगा. टोटल सीपी और टोटल एसपी को कंपेयर करेंगे, वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये प्रॉफिट हुआ है होल ट्रांजैक्शन में या फिर गेन हुआ है. ओके, तो करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है सीपी ऑफ VCR equals to rupees 8000, okay? और loss कितना हो रहा है? 4% loss means 4/100 into 8000 and we will get 320 रुपीस. ये आया हमारा क्या लॉस. ठीक है, अब इस लॉस को इससे माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एसपी. तो यहां से निकालेंगे एसपी ऑफ वीसीआर इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस एंड सीपी इज 8000 माइनस लॉस इज 320 एंड वी विल गेट 7680 रुपीस. ओके, ये हमारा क्या निकला एसपी, किसका वीसीआर का. अब हम क्या निकालेंगे टीवी का एसपी. तो टीवी का तो लिखेंगे सीपी ऑफ टीवी इक्वल्स टू कितना गिवन है हमें रुपीस 8000. ओके, 8000 रुपीस हो गया सीपी एंड प्रॉफिट 8%. 8% प्रॉफिट मीन्स 8/100 इंटू 8000 और इसको कैलकुलेट कर लेंगे 8/100 इंटू 8000. 20 से 20 कैंसिल हो गई तो यहां से प्रॉफिट हमें कितना मिल गया 640 रुपीज. ओके, अब क्या निकालेंगे यहां से एसपी ऑफ टीवी. तो एसपी ऑफ टीवी क्या हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट एंड वी विल गेट सीपी कितना है हमारा 8000 प्लस प्रॉफिट 640 देन एसपी कितना आया 8640. तो
तो देखिए वीसीआर का एसपी भी मिल गया और टीवी का एसपी भी हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, हम दोनों एसपी को प्लस करेंगे और दोनों सीपी प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पर प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है। ठीक है, तो करते हैं, तो हम लिखेंगे, इधर करते हैं, टोटल सीपी इक्वल्स टू 8000 प्लस 8000 इक्वल्स टू रुपीज कितना आ गया, 16000 हमारा हो गया टोटल सीपी, एंड एसपी टोटल निकाल लेंगे 7680 प्लस 8640। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, ₹16,320। ओके, एंड नाउ वी कैन सी सीपी इज लेस देन एसपी, एसपी ग्रेटर है सीपी से, तो यहां क्या है, क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो अब लिखेंगे प्रॉफिट, ठीक है, इट इज ए प्रॉफिट, देन प्रॉफिट इक्वल्स टू हाउ मच, 16,320 माइनस 16,000, देन वी विल गेट 320 रुपीज। ओके, अभी यहां से हम क्या निकाल देंगे, प्रॉफिट परसेंट, परसेंट इक्वल्स टू 320 अपॉन टोटल सीपी। ओके, एंड टोटल सीपी 16,000 इंटू 100 एंड वी विल गेट 2%। ओके, तो टोटल होल ट्रांजेक्शन में हमें क्या हुआ, 2% गेन। ओके, आई थिंक ये आपको समझ आया होगा अच्छे से कि कैसे करना है। पहले हमने क्या किया, जितना भी लॉस दिया हुआ है वहां से एसपी निकाला, जो प्रॉफिट दिया हुआ है उससे एसपी निकाला, दोनों को ऐड किया। क्यों ऐड किया, क्योंकि दोनों को कंपेयर करना था। अगर कंपेयर नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स, व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स marked at rupees this and two shirts marked at rupees 850 each। देखिए जीन्स का प्राइस आपको गिवन है मार्क प्राइस 1450 एंड शर्ट का, एक शर्ट का प्राइस आपको दिया हुआ है 850 और कितनी शर्ट है, टू शर्ट्स, तो टू शर्ट्स का प्राइस क्या हो जाएगा, 850 प्लस 850। तो पहले हम निकालेंगे टोटल मार्क प्राइस इसको और दोनों शर्ट का मार्क प्राइस ऐड कर, देन टोटल मार्क प्राइस का हम निकालेंगे 10% डिस्काउंट और उस डिस्काउंट को टोटल मार्क प्राइस से डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा कि कस्टमर को कितना अमाउंट पे करना है, मींस बिल अमाउंट। ओके, तो करते हैं, पहले हम निकालेंगे टोटल मार्क प्राइस, तो क्या हो जाएगा, जीन्स का, जीन्स का प्राइस ये है 1450 प्लस टू शर्ट्स का 850 प्लस 850। ओके, एंड वी विल गेट 50 प्लस 1700, देन ₹3,150 क्या आया हमारा टोटल मार्क प्राइस। अब इसका निकालेंगे 10% डिस्काउंट, देन 10% डिस्काउंट मींस 10 अपॉन 100 इंटू 3150 एंड वी विल गेट रुपीज 315। ये आया हमारा डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट को इस टोटल मार्क प्राइस से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बिल अमाउंट,
equals to total mark price minus discount. एंड टोटल मार्क प्राइस हमारा क्या है 3150 माइनस 315 एंड वी विल गेट ₹2835। ये क्या आ गया हमारा कि कस्टमर को कितना अमाउंट पे करना है, मींस बिल अमाउंट। ओके, आई थिंक ये भी समझ आया होगा।